तो जैसा कि पता है आप लोगों का अभी 14 अगस्त शुरू हो चुकी थी और हम अभी यहाँ पे गीगा मॉल आए और यहाँ पे हम आतिशबाजी देखने आए थे। इधर आतिशबाजी नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत वालों ने मना कर दिया है, तो क्या पता अभी थोड़ी देर तक कोई इजाज़त दे दें तो फिर आतिशबाजी क्या पता हो ही जाए। तो इंतज़ार करते हैं अभी, अगर हुई तो दिखाएंगे, नहीं हुई तो फिर वो बस। तो यहाँ पे अभी हम गीगा मॉल से वापस जा रहे हैं क्योंकि आतिशबाजी इस दफ़ा नहीं हुई, तो अगर अभी आगे हम जाते हैं आगे अगर कहीं पे आतिशबाजी हुई तो दिखाएंगे और जो जो सीन्स अभी आगे होंगे तो आपको कैच कराते हैं। ये देखो, हट जा, हट जा, होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है 14 अगस्त है और रात को हम गीगा मॉल भी गए थे आतिशबाजी देखने, तो वो इतनी ख़ास हुई नहीं क्योंकि वो हुकूमत वालों ने मना कर दिया था इस वजह से। तो इतना ख़ास मैंने उधर की वीडियो भी बनाई क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो अभी आगे के जो भी सीन्स होते हैं वो फिर आपके साथ कैच कराते हैं। तो अभी मैं अंदर से बाहर आया हूँ तो देखा इतना प्यारा मौसम था, इतने मज़े की बारिश हो रही है और इतना मज़े का मौसम है माशाल्लाह से। सुबह इतनी धूप थी कि बंदे से घर से बाहर नहीं निकला जा रहा था और अभी ये मौसम इतना मज़े का हो गया है, इतने मज़े की ठंडी हवा और बारिश होने वाली है। और ये झंडियाँ हमने कम्प्लीट कर ली थी उस दिन ये सारी, तो अगर अभी मैं नीचे गया तो नीचे से भी जा के आपको दिखाऊँगा। बहुत मज़े का मौसम है माशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले तो सिर्फ बादल ही थे लेकिन अभी ये बारिश भी शुरू हो गई और हमारी ये सारी झंडियाँ गीली हो गई हैं। थोड़ी देर पहले तो अभी कम बारिश थी लेकिन अभी ये बहुत तेज़ हो गई है। मैं छतरी लेके खड़ा हूँ और ये गली के कुछ बच्चे नहा रहे हैं और यहाँ पे ये पानी बहुत तेज़ बहता हुआ जा रहा है। आज का मौसम बहुत ठंडा हो गया माशाल्लाह, धूप तो ख़त्म हुई। अभी तकरीबन बारिश रही थी ज़्यादा देर, बहुत मज़े की बारिश थी और अभी ये आस्ता हो गई है, तकरीबन रुक ही गई है, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। मौसम ठंडा हो गया शुक्र है। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मार्केट से जब वापस आऊँगा तब आपसे मिलता हूँ, तो जो भी चीज होंगे आपको कैच कराऊंगा। A few moments later. मार्केट से अभी मैं सामान लेके आ गया था और ये अभी बारिश हो रही थी जब मैं मार्केट गया था, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है जैसा कि देख सकते हैं सूरज जी सामने है। तो ये मेरा वो कज़न है जिसकी ख्वाहिश थी कि ये मेरे व्लॉग में आए, तो अभी आपको इंट्रोडक्शन करेगा। तो ये हमारे मल्ले के बच्चे जो कि 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बाजे सारे इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप इन्होंने अपना बनाया हुआ है। यहाँ तक आप पता नहीं इसकी आवाज़ आ रही होगी या नहीं क्योंकि मैं दूर से इसको जूम करके बना रहा हूँ। अभी कल से मेरे व्लॉग्स की रूटीन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, 15 अगस्त से हमारे स्कूल स्टार्ट हैं, तो कल से रूटीन चेंज हो जाएगी। व्लॉग सुबह नहीं, दिन को कोशिश करूंगा डाल दूं वरना तो फिर वो रात को ही आया करेगा। हेलो, मेरे अंदर से व्लॉग्स मेरी उसी तरह आया करेंगे, अब मैं दिन को चलाऊंगा या तो फिर शाम को। और ये मेरा शरारती कज़न। तो अभी मैं अपनी पप्पो के घर पहुंच गया और यहाँ पे ये अभी हम डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम केक काटेंगे। तो अभी जब सब चीज़ें हम कर लेते हैं तो तब आप कितनी बेकार सा दिलाए।
बहुत पसंद आया होगा। आज का व्लॉग बहुत मजे के, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो मेरे आप तक पहुँच जाए। तो आज के व्लॉग को एक इस छोटी सी दुआ के साथ एंड करते हैं कि ए हमारे अल्लाह हमारे पाकिस्तान की इस पाक सरजमीन को ताकयामत दुश्मन के कब्जे से हमेशा महफूज रखना, हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखना, हमारे पाकिस्तान परचम और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, आमीन। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है, इसलिए इसको ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।